नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है संस्कृत यूजीसी नेट कोट 25 के लिए, और उसके फर्स्ट पेपर के लिए हम क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो सामान्य प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का जो नाम दिया हुआ है वो है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। विस्तृत पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है इकाई एक, शिक्षण अभिवृत्ति। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति में दिया हुआ है शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं, और इसमें मूल अपेक्षाएं क्या क्या है। दूसरा इसमें बुलेट्स है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं होनी चाहिए, कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की क्या अपेक्षाएं हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, अभिव्यक्ति भिन्नताएं कैसी होती हैं उनमें। तीसरा बुलेट है इसमें शिक्षण प्रभावक तत्व कैसे होने चाहिए, जैसे शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण, ये जो प्रभावक तत्व हैं इनका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, स्वयं स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। ठीक है, आजकल ऑनलाइन शिक्षा का भी बहुत प्रचलन चल रहा है, जैसा कि हम कर रहे हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रभा प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये है आपका इकाई एक, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इकाई दो। ठीक है, इकाई दो में है शोध अभिवृत्ति, की शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपनाम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख, लेखन फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध नैतिकता, शोध में ICT। देखिए, ICT आपको कंपलीटिव पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इकाई नंबर तीन है बोध। एक गद्यांश दिया गया है, उसमें गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, तो ये बोध में हो गया। ये बहुत सीधा भी कह सकते हो आप इसे, आसानी से हो जाता है ये। ठीक है, चौथा है, चौथी इकाई है संक्षेपण, संप्रेषण है। संप्रेषण, संप्रेषण का क्या अर्थ है, कितने प्रकार है, अभिलक्षण कितने हैं, प्रभावी संप्रेषण कैसे होता है, वाचिक, गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया, समाज, ये सब संप्रेषण के साधन हैं। ठीक है, पांचवी इकाई है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। तर्क के प्रकार क्या है, संख्या की श्रेणी, ठीक है, अक्षर की श्रृंखला, कूट और संबंध, इसके साथ में गणितीय अभिव्यक्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज और छूट, औसत, ये सब इकाई पांच में है। इकाई छह में दिया हुआ है युक्ति तर्क देना है आपको, जैसे युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरुपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, ठीक है, वाच्यर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, ठीक है, निगमनात्मक, आगमनात्मक युक्ति, मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेण का आरेख, ठीक है, वेण के आरेख में तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सब हमें फर्स्ट पेपर में देने होते हैं। सातवां पॉइंट है आंकड़ों की व्याख्या करनी होती है, जैसे आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक, चित्र वर्णन, चित्रवत वर्णन देना, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये सब हमें आना चाहिए, मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, ये सब आना चाहिए। ठीक है, इकाई आठ में दिया हुआ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT। मैंने कहा आपसे ICT आपको पढ़ना ही है, ज्यादा से ज्यादा आपको ICT पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ICT से करीबन तीन टॉपिक को कवर किया हुआ है ICT ने। ICT सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, और ICT और सुशासन। ठीक है,
पॉइंट नो नो में दिया हुआ है लोग, विकास और पर्यावरण, यानी समाज के बारे में जो भी चीजें इसमें सब दिया हुआ है। देखिए, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास, संपोषणीय विकास, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, ठीक है, नृजातीय, पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण मुद्दे क्या क्या हैं, वैश्वीकरण, बायोमेडिकल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम। इसके अलावा भूताप, बायोमास, नाभिकीय, वन, प्राकृतिक जोखिम, आपदाएं, भू न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत जरूरी से आपको पढ़ना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते देखने हैं, प्रयास प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये सब आपको पढ़नी है। और अंत में आपको पॉइंट 10 के साथ उच्च शिक्षा प्रणाली आपको अध्ययन करना होगा। उच्च शिक्षा प्रणाली में उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीनतम भारत में शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ, भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा है, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण परक शिक्षा, ठीक है, और नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक यूनिट मॉडल में से दो दो अंकों वाले प्रश्न, प्रत्येक यूनिट मॉडल में से दो दो अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इसका मतलब 50 हो गए, 10 हैं, ठीक है। 5 प्रश्न अगर एक टॉपिक से लिए जाते हैं तो 50 प्रश्न हो जाते हैं। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप। उतने ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए, छात्रों के लिए अवतरण दूसरे दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक से 5 5 प्रश्न आएंगे, किसी से 6 भी आ सकता है, किसी से 7 भी आ सकता है, कोई नियम नहीं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास रहे, ठीक है। ये करंट अभी अपडेट है, ये दिसंबर 2019 में हमें इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।